ज्ञानवापी में एसआई सर्वेक्षण का लगातार कार्य जारी है, लेकिन आज एसआई टीम को अपनी पूरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट करनी थी। आज जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसआई की टीम पहुंची तो उन्होंने 8 सप्ताह का समय मांगा और कहा कि अभी 8 सप्ताह और समय सर्वेक्षण कार्य में लग सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में कई सारे पत्थर हैं जिन्हें हटाया जाना नितांत आवश्यक है। हालांकि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो नहीं बैठे थे और अब अगली तारीख पर इस मामले की सुनवाई होगी। हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी जी हैं जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मामले में आगे क्या होगा। सर, क्या होगा आगे इस मामले में? जिला जज जब आएंगे तो एसआई के अधिवक्ता द्वारा दिए हुए प्रार्थना पत्र जो पत्रावली में 374 गए हैं उस पर सुनवाई होगी, और सुनवाई में आज निम्न इंतजामिया के अधिवक्ता द्वारा कहा गया था कि मुझे कॉपी प्राप्त हुआ है, समय चाहिए, तो लेंगे, समय लेंगे। और यह 8 सप्ताह का समय जो एसआई द्वारा मांग किया गया है इस पर हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है, वादी पक्ष की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एसआई जांच कर रही है, उस जांच से हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। पत्थर का जिक्र किया गया है, पत्थर मलबे हैं जिसे उन्होंने मांग किया है कि उसमें हटा रहा हूँ, समय लगेगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि जिस गति से वो जांच कर रहे हैं, जांच अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं और जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, रिपोर्ट सही आना चाहिए। इसलिए अगर उन्होंने 8 सप्ताह का समय मांग रहे हैं तो अयोध्या में जो मुकदमे में जांच हुआ था लगभग 8 महीने चले थे, उसको देखते हुए समय दिए जाने में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और पत्रावली में आदेश हुआ है कि जिला जज आएंगे तो उनके सामने प्रार्थना पत्र रख दिया जाएगा, कोई डेट फिक्स नहीं हुआ। क्या उम्मीद है, कब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठेंगे जिला जज? देखिए, आज उनके माताजी का निधन का 13वां दिन है और 13 का कर्मकांड है, स्वतः उन्होंने मुखाग्नि दिया है और जिला जज हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिला जज इस पत्रावली को सुनेंगे। लिंक कोर्ट फर्स्ट डीजे ने कोटा 5 डिस्ट्रिक्ट जज लिख दिया है, तो जिला जज 4 तारीख को भी आ सकते हैं, 5-6 को भी आ सकते हैं, और मूल पत्रावली में 8 तारीख लगा हुआ है, इसलिए जिला जज कभी भी आ सकते हैं, पत्रावली कभी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी हैं, जिनका कहना है कि देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज बैठेंगे तभी इस मामले पर सुनवाई होगी और ये तय होगा कि एसआई टीम को 8 सप्ताह का समय दिया जाए या नहीं। हालांकि इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि 8 सप्ताह का समय जो मांग कर रही है एसआई की टीम वो बहुत ज्यादा नहीं है और उन्हें समय दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि किस तरह से एसआई की टीम ने किन किन चीजों का जिक्र किया है और बताया है कि क्यों इतना विलंब हो रहा है। ये स्पष्ट हो गया है कि आज एसआई की टीम जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं कर पाई और अब 8 सप्ताह के समय की मांग की गई है। अभी देखने वाली बात होगी कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला जज बैठते हैं तो वो इस मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।